जब तुम खामोश हो जाती हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कायनात गूंगी हो गई। अगर एक माँ को अपने इकलौते बेटे के साथ फोन पे रिश्ता निभाना पड़े तो बेटा ऐसी लंबी उम्र तो दोजख बराबर है। कोर्ट ने राजदान साहब की बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी है। रोहित राजदान, तेरी आंखों के सामने दलदल में धंसता चला जा रहा है। जय। और मैं यूं ही खड़ा नहीं रहूंगा। अगर मेरा हाथ उसके सर तक पहुंचेगा तो उसके सर पर रखकर मैं उसे नीचे धकेल दूंगा। प्रेम से मुझे कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा है ना तो सुजाता से। जी, तेरी दीदी का वादा है तुझसे, रोहित को जमानत जरूर मिलेगी। रोहित, रश्मि, यहां से चली जाओ। रश्मि, भगवान के लिए यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। मैं भी तुमसे आंख मिला के बात नहीं कर सकता। गलत इल्जाम उन लोगों ने तुम पर लगाया है, तो भला तुम मुझसे आंख क्यों नहीं मिला पाओगे? रोहित, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। पर तुमने गलत जरूर किया है रश्मि। कहा था ना मैंने, यहां मत आना। कैसे हो रोहित? अभी अभी कुछ ठीक हुआ। किसी न किसी तरह अपने आप को समझा बुझाकर अपने हालत कबूल कर पाया। तो तुमने यहां आकर मेरे बनावट इत्मीनान की धज्जियां उड़ा दी है रश्मि। जांच से पहले अपने आप पर इतना शंक कभी नहीं हुआ जितना अब आ रहा है। अपने आप पर इतना अफसोस। रोहित, तुम्हारा ये अफसोस सरासर गलत है। मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों सिर्फ सुख के साथ ही हैं? कैसा रिश्ता है जिसमें हम दोनों सुख में तो एक साथ हैं लेकिन दुख में नहीं? रश्मि, रश्मि मेरी जान, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। सलाखों के इस पर मुझे देखकर तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। और सलाखों के उस बार तुम्हें देखकर मैं कितना बेबस और मजबूर अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मेरा दिल चाहता है। बेबस और मजबूर फील करने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमें अपने रास्ते खुद तलाश करने हैं। जब से जमानत रिजेक्ट हुई है कोई रास्ता समझ में नहीं आता। एक रास्ता है रोहित, जो खुद चलकर हम तक आया है। एडवोकेट शालिनी शिवरे। तुम्हारी बहन? हाँ रोहित, दीदी एक बहुत ही काबिल वकील है और वो तुम्हें कोर्ट में डिफेंड करना चाहती है। लगता है कि आज तुम वाकई मुझे जलील और लाचार करने पर तुम गई। अरे भूल गई क्या, शालिनी ने खुद हमसे रिश्ता तोड़ा था। भूल गई क्या, उसने खुद कहा था कि आइंदा अपना चेहरा दिखाएगी। तो फिर आज उसके सामने गिड़गिड़ाने अपनी शक्ल दिखाने क्यों गई है? यही साबित करने ना कि तुम्हारा पति अपना बचाव नहीं कर सकता। जिन दरवाजों पर पिछले 10 साल से नहीं गए
आज वहीं जाकर मदद की भीख मांग रहे हो। रोहित तुम गलत समझ रहे हो, मैं दीदी के पास नहीं गई थी बल्कि दीदी खुद यहाँ आई है और हमें उनके इस बड़प्पन के लिए उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमने भी तो 10 साल तक उनकी खबर नहीं ली। तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुम्हारे लिए मेरा प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारा गुस्सा? रोहित दीदी एक बहुत ही काबिल वकील है और वो मुझे मेरा रोहित वापस दिलवा सकती है। प्लीज प्लीज उन्हें अपना केस लड़ने की इजाजत दे दो। दीदी दीदी कोर्ट में तुम्हारे बेल की अपील करना चाहती हूँ। देखो उन्होंने ये पेपर्स भेजे हैं, तुम्हें साइन करना होगा। प्लीज रोहित अपने और दीदी के गुस्से में मेरे पति के बलि मत जाओ। प्लीज रोहित पेपर्स पे साइन कर दो मेरे खाते में। हेलो हेलो भाभी, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। पहले ये बताइए कि हमारी सुजाता कैसे? अभी उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वापस घर जाने की इजाजत उसे मिल जाएगी। प्रेम भाई, सुजाता को हॉस्पिटल में एडमिट किया था लेकिन इलाज 2 लोगों का हुआ है। मतलब ये कि मेरा और मोहसिन का रिश्ता जो दिन पर दिन बीमार होता चला जा रहा था वो अब ठीक हो गया है। मैं नहीं जानती कि सुजाता ने मोहसिन से क्या कहा लेकिन अब हमारे रिश्ते में पहले वाली मिठास आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, और सुजाता इस बात को सुनेगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। और सच पूछे भाभी तो ये जो फोन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी सुजाता ने मुझसे कहा था। कर उसे आपकी बड़ी फिक्र रहती है भाभी। सुजाता को मेरा बहुत बहुत प्यार देना। प्रेम भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद सुजाता आपकी जिंदगी में मेरे खातिर आई। अच्छा मोहसिन आते हैं तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुजाता को शुक्रिया कहना। जी बाय। लो अभी आ रहे हैं आप। अभी प्रेम भाई का फोन रखा, वो कह रहे थे कि सुजाता बिल्कुल ठीक है और 2-1 दिन में घर भी आ जाएगी। आपने प्रेम को ये बताया कि यहाँ भी सब ठीक है? हाँ बताया लेकिन इतना ठीक है ये नहीं बताया। अजी कितना ठीक है इसका अंदाजा तो अभी आपको। अच्छा यही अंदाजा करवाने के लिए तुम्हारा जल्दी आ गया। आपके इरादों पर मुझे जरा सा डाउट हो रहा है। हुजूर अगर मैं आपके साथ रोज रोज ऐसा सुलूक करूं तो डाउट ना कर। तो पता नहीं कम वक्त मेरे दिमाग को कौन सा सुर लग जाता है कि अपनी फौजिया के इतने करीब आने के लिए न जाने मुझे कितने पहाड़ पार करने पड़ते, कितने समंदर बीच में। और देखिए ना आपके और हमारे बीच में सारे फासले में खुद पैदा कर दूं। फासले भले ही पैदा कीजिए लेकिन एक अदद रास्ता जरूर रखिएगा ताकि आप मुझ तक या मैं आप तक पहुंच सकूं। आज मैं हर फासले की गुंजाइश मिटाने के लिए आज मैं आपके इतने करीब। हेलो हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? ओहो डॉक्टर को दिखाए? ठीक है मैं पहुँच। क्या हुआ किसका फोन? अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मिस्टर गुड बोले। अरे मैडम आप यहाँ? ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ? हाँ मैडम आजकल मैं यहीं पर हूँ, इसी इलाके में मेरी ड्यूटी। और मैडम क्रिमिनल्स तो हर एरिया में होते हैं ना? हाँ और क्रिमिनल्स के साथ साथ हर इलाके की पुलिस कस्टडी में कुछ बेगुनाह लोग भी होते हैं मिस्टर गुड। अगर आप किसी को बेगुनाह कहती हैं तो वो बेगुनाह होंगे क्योंकि आपकी वकालत का जो मुझे तजुर्बा है
उससे तो मैं आपको कानून की कसौटी मानता हूं मैडम। आप बैठिए ना। और मैडम, हम पुलिस वालों से भी कभी कभी गलती हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस बार आप पुलिस वालों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये लीजिए जमानत के कागजात। जमानत के कागजात? किसकी जमानत की? मिस्टर रोहित राजदान। रोहित राजदान? देखिए मैडम, आप कुछ गलती कर रही हैं। रोहित राजदान बेगुनाह नहीं है मैडम, क्योंकि इस केस की तहकीकात मैं खुद कर रहा हूं, और वैसे भी उसके खिलाफ हमारे पास काफी सारे सबूत हैं। आपके सभी सबूतों से बड़ा सबूत मेरे पास है, और वो है रोहित की पिछले 30 साल की बेदाग जिंदगी, जिसका दावा वो खुद नहीं कर रहा लेकिन शहर के नामी लोग कर रहे हैं, और कोर्ट ने भी सेकंड अपील में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। आप पेपर चेक कर सकते हैं। ओके मैडम। मात्रे जी साहब, रोहित राजदान को छोड़ दो, उसकी जमानत हो चुकी है। मैडम, आप चाय वाय लेंगी? अब तो मैं मिस्टर राजदान को बेगुनाह साबित करने के बाद ही आपके साथ चाय पीऊंगी। लगता है मैडम आपने कोई गलत के साथ में लिया है। इसका मतलब है हम साथ साथ कभी चाय नहीं पियेंगे। हेलो रोहित। अफसोस है कि हमारी मुलाकात ऐसे हो रही है। तुम्हें मुलाकात पे अफसोस है या मुलाकात के हालातों पे? अफसोस जरूर है। चलो तुम्हारी जमानत। रश्मि, रश्मि, जमानत करवा देंगी। देखा ना, दीदी तुम्हें घर ले ही आई। कैसी हो रश्मि? मैं तो उस रात से सांस रोके हुए हूँ जिस रात वो तुम्हें अपने साथ ले गए। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था लेकिन शायद मेरी जिंदगी ही उस रात पर रुकी हुई थी। मुझे भी एहसास कम रहा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अरे ज्यादा चिंता मुझे इस बात की थी कि तुम पर क्या गुजर रही है। रोहित, शायद तुम ये नहीं जानते कि कुछ दिनों के लिए जब तुम्हारा इस घर से नाता टूट जाता है तो इस घर की दीवारें, इस घर की छत सब हिलने लगती हैं। ये घर तुम्हारे बगैर नहीं खड़ा हो पाएगा रोहित, ये घर तुम्हारे बगैर गिर जाएगा। रश्मि, मैं तुम्हारा घर कभी नहीं गिरने दूंगी। रोहित तुम कहां जा रहे हो? रोहित, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूं। दीदी,
आप रोहित का केस सिर्फ एक शर्त पर लड़ेंगे, और वो शर्त ये है कि आपको हमारे साथ इस घर में रहना होगा। शायद रोहित को इस बात से एतराज हो। मैं ये सब रश्मि की बात रखने के लिए, और इसलिए उसके किसी भी फैसले से मुझे एतराज नहीं होगा। रोहित, अगर तुम मेरी इतनी बात रखते हो, मेरा इतना मान रखते हो, तो मेरी एक और बात मान लो। प्लीज अपने और दीदी के डिफरेंसेस खत्म कर दो। भूल गई रश्मि, ये तुम्हारी दीदी वही दीदी है जिन्होंने हमारी शादी इतनी नामुमकिन कर दी, मुझे बुरा भला कहा, मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील की। हाँ रोहित, तुम मेरी वही दीदी है जिसने माँ के मरने के बाद मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी माँ से कभी महसूस नहीं हुआ। मैंने हमेशा इनको ही माँ के रूप में देखा है। मैं इस बात पर आज तक गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने शादी के वक्त तुम्हें नहीं बताया। तुमने कहा अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। 10 साल तक मैंने इनको एक फोन तक नहीं किया, फिर भी तुम्हारे तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ रोहित की कि उसने अपने सालों में तुम्हें इतना प्यार किया है। ये बात सच है कि मैंने भी तुम्हें बहुत प्यार किया है, बड़ी ममता से तुम्हें पाला है, और इसीलिए जब जिंदगी के सबसे अहम फैसले में तुमने मुझसे नहीं पूछा तो मैं तुमसे नाराज हो गई। लेकिन आज मैं ये बात मानती हूं कि तुमने जो किया ठीक किया। रोहित आज भी तुम्हें कितना चाहता है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। अशोक, तुमने जो फैसला किया ठीक किया मेरी बहन। रश्मि की बात रखने के लिए नहीं, बल्कि मेरी रिक्वेस्ट की खातिर आप अब यहीं रहिए। आपकी तरह अगर मैं भी सच्चाई कबूल करूं तो सच ये है कि वी नीड यू हियर, हमें आपकी जरूरत है। अब हम अकेले पड़ गए। मेरा फैसला सही था ना? मिस्टर संजय नंदा जी, एसीपी साहब ने आपको क्राइम ब्रांच बुलाया। क्यों? ये कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। कैसी जानकारी? वो तो आपको एसीपी संजय साहब ही बताएंगे। ठीक है, आप चलिए, मैं वहां पहुंचता हूँ। जी बहुत अच्छा।